क्या आप केरल का इतिहास, केरल का, केरल की आज की स्थिति पढ़िए, साक्षरता में वो नंबर वन पे 96% है, भारत का रेट 76% है। बाहर से जो पैसा आता है उसमें का 36% केरल के लोग भेजते हैं बाहर से, उसकी अमाउंट है 2.34 लाख करोड़ रुपीस। जीडीपी केरला का भारत से 60% ऊपर है। मोर्टालिटी में बाल मृत्यु का प्रमाण 6 है, उत्तर प्रदेश में 46 है। जीडीपी हो गया, ये हो गया, क्या साक्षरता 96% है। बिलो पॉवर्टी लाइन 0.76 है और भारत में 22 है। जीडीपी मैंने बताया 60% ज्यादा है भारत से। तो ये सब होने की वजह क्या है? वो होने की वजह है कि उन्होंने जो साक्षरता और जो शांति बरताई है वहां पे, उसके कारण उसका विकास हो रहा है उस राज्य का। उस राज्य में समुद्र पर्यटन भारत में सबसे अच्छा कहाँ है? केरला में है। खाड़ी का पर्यटन सबसे अच्छा कहाँ है? केरला में है। सदियों से उस राज्य को क्या कहा जाता है कि भगवान का राष्ट्र, भगवान का राज्य, गॉड जोन कंट्री। अब वहां से एक चित्रपट निर्माता जो रहता है कहीं उत्तर प्रदेश में, वो आके कहता है कि 32,000 लड़कियों ने धर्मांतरण किया, और मुझे उस बात पे गुस्सा आता है। मैं मेरा राष्ट्र और मेरा राज्य, मेरा राज्य केरला से मैं नहीं हूँ पर मेरा ही राज्य, क्योंकि इस राष्ट्र का वो एक हिस्सा है, मैं बात करता हूँ गुस्से में, कहता हूँ कि सर ऐसा कहा जाता है, हमेशा बोलते हैं कि साला इन लोग लथाड़ रहे हैं हमारे संविधान को। इसका मतलब क्या, फुटबॉल खेल रहे संविधान से? आप पत्रकारों को एक शब्द पकड़ के कॉन्ट्रोवर्सी उठानी थी। मैं आपका आभार मानता हूँ, शुक्रिया मानता हूँ कि आपने ये कॉन्ट्रोवर्सी उठा करके कम से कम केरला की असलियत तो बाहर लाई। मैंने जो कहा था वो शाब्दिक गुस्सा था मेरा, कि इतनी झूठ बात एक महिलाओं के बारे में एक आदमी कैसा कह सकता है? हमारे महिलाओं को अक्ल नहीं है? हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है? वो अपने भविष्य को नहीं जानती है? हमारे महिलाओं को क्या पुरुषों ने सिखाने की आज भी जरूरत है? हमारे पुरुष आज भी महिलाओं को बदनाम करेंगे? जो सदियों से वो करते आ रहे वही काम करेंगे? और इसलिए मैंने कहा, मेरा शाब्दिक अर्थ था, मेरा शाब्दिक हल्ला था, अरे अच्छा हुआ कि मैंने वो किया। आप लोग सब लोग दौड़ के आ गए। आज 6 दिन हो गए पिक्चर आके, उसका टीजर जो है, टीजर को सेंसर ने सम्मति नहीं दी है। वो आदमी कोर्ट में जाके कहता है वो 3 है, 32,000 नहीं है। तो आप दिखाते ही नहीं हो, आप तो सिर्फ मेरे ऊपर आ गए कि आपने क्यों कहा, फांसी क्यों दी, फांसी क्यों दी। अरे फांसी क्यों दी? अरे मैंने तो बोला फांसी देना चाहिए ऐसे आदमियों को जो इतनी झूठ बात करके पूरे राष्ट्र को जलाना चाहते हैं, उसके ऊपर देशद्रोह का गुनाह होना चाहिए। कि इतनी झूठ बात वो देश में कैसे फैला सकता है? अंगार लग जाएगी देश में। आपको देश की चिंता है कि उसे एक आदमी की चिंता है कि पिक्चर की चिंता है? क्योंकि वो पिक्चर तुमको आग लगाने में मदद करेगा, आग लगाने से आपको वोट मिलेगा, वोट मिल के आप सत्ता पे आ जाएंगे। तो सत्ता का समीकरण जुगाड़ बांधने के लिए आप कुछ भी करोगे। आईएसआईएस के समर्थन में पिक्चर, आईएसआईएस के खिलाफ पिक्चर है उसका, देखो ऐसा है, आईएसआईएस के खिलाफ हो नहीं तो किसके भी खिलाफ हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बात 3,32,000 की है, आप ये सवाल पूछोगे मुझसे? एक राज्य में 1,000 लोग मर गए, हम कहेंगे 1,00,000 मर गए। आज मणिपुर में कितने मरे हैं आप दिखा रहे हो टीवी पे? 75% मणिपुर जल रहा है, दिखा रहे हो टीवी पे? कोई बता रहा है मणिपुर में क्या हो रहा है? सिविल वॉर शुरू हो गया है, सिविल वॉर। कम से कम 20,000 लोग पड़े हुए हैं रास्ते पे, कोई दिखा रहा है? हम कुछ पड़ी नहीं, हमको कंट्रोवर्सी चाहिए, हिंदू मुसलमान बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको। उससे वोट मिलने वाले, आप बाकी भूल जाओ दुनिया को, हिंदू मुसलमान मारते रहो।
अरे क्यों लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा करते हो कि 32,000 लड़कियां गई, तुम्हारी बहनों को अक्कल नहीं है क्या? इतनी मूर्ख है क्या वो? किसी एक ने कोई बचपना किया तो पूरे महिलाओं को बदनाम कर दोगे? मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात करनी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल लाइन लोग चलाते हैं, वो पॉलिटिकल लाइन उनको मुबारक हो। मैं देश के लिए बात कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बात कर रहा हूँ। आने वाले देश में क्या, आने वाले दिनों में इस देश में क्या हो सकता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। लोगों के दिलों में गुस्सा पैदा करने के लिए 3,32,000 करना, क्या इसके ऊपर सवाल ये निशान पैदा नहीं होगा? आप लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। उसकी सुंदरता, केरल की सुंदरता, केरल ने की हुई प्रगति, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। केरल कैसा गंदा प्रदेश है ये दिखाने के लिए भागम दौड़ी है। मैं बैन के खिलाफ हूं, मैं बैन किसी पिक्चर को नहीं लगाना चाहिए, पर बैन नहीं लगाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बताना चाहिए। मेरी मालूमात के मुताबिक ये जो टीजर चलाया गया वो टीजर सैंक्शन नहीं किया था, और ये पिक्चर में डिस्क्लेमर नहीं है कि ये पिक्चर काल्पनिक है और इसको वास्तविकता में न लिया जाए, ये लगाना जरूर है, वो नहीं लगा। जैसे कि मतलब सवाल ये था कि ममता दीदी, इन्होंने जो है वो वहां पर बैन किया है, लेकिन यूपी एमपी में टैक्स फ्री करवा दिया है मूवी को, और तो मैं वही बता, नेता जो है वो हर जगह इसके फ्री शो भी लगा रहे हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको राजनीति ही करनी है, आपको उसका इस्तेमाल करके देश का माहौल ही खराब करना है। हालांकि सच्चाई कुछ अलग है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि विश्व में अपनी बदनामी हो रही है? हम अनएम्प्लॉयमेंट में नीचे जा रहे हैं, परदेशी निवेश में नीचे जा रहे हैं, हमारा यहाँ का जीडीपी खत्म होने तक जा रहा है, हमारा फॉरेन बैलेंस इम्बैलेंस में गया है, सब जगह से हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन धार्मिक तनाव में हम भाज दुनिया में सबसे ऊपर जा रहे हैं। हम इतने महान राष्ट्र में बदल चुके हैं कि हमने चाइना को पॉपुलेशन में पीछे छोड़, अब हम खुद आगे चले गए हैं। इतना महान राष्ट्र है। एक जगह कश्मीर फाइल्स आई थी, अभी ये केरल स्टोरी आ रही है, ऐसे कंट्रोवर्शियल मूवी जो है वो बार बार इलेक्शन की तौर पर आते हुए। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्शन आते ही एक फाइल बाहर आ जाती है? महाराष्ट्र का चुनाव आएगा तो महाराष्ट्र फाइल्स आएगी, नहीं महाराष्ट्र से कोई चुनाव आएगा तो मध्य प्रदेश फाइल आएगी, तो महाराष्ट्र पे असर करेगी, नहीं तो तेलंगाना फाइल आएगी तो असर करेगी। मेरा सवाल सिर्फ हमारे महिलाओं की बुद्धिमत्ता के ऊपर पूछे गए सवाल के ऊपर है, क्या हमारी महिलाओं को बुद्धि नहीं है? ऐसा आप समझ रहे हो क्या? क्या आप महिला वर्ग को बदनाम करना चाहते हो क्या? वो पुरुषों के हाथों में रहने वाला खिलौना ही होना चाहिए, जैसे मनुस्मृति ने कहा है, वही आप चाहते हो क्या? तो करो महिलाओं को बदनाम, 32 क्यों, 1,00,000 महिला गई, बता दो कौन पूछने वाला है आपको? सिर्फ विरोध जहां पर है वही के राज्यों को लेकर टारगेट किया जाता है और ऐसी फिल्में आई जाती है, ऐसा भी आरोप हो रहा है। क्या करे, करे क्या, करे तो करे क्या? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करना चाहिए सुमो को, कि अगर सच्चाई नहीं है तो पहले लगाओ कि ये कहानी सच नहीं है, झूठ है, ये झूठ के आधार पर बनाया हुआ काल्पनिक चित्रपट है। अगर दुनिया में आपको अंगार का धुआं ही देखना है तो आर्मी ऐसी फिल्म निकालिए और उसको टैक्स फ्री करवा दीजिए, और पार्टियों ने उसको फुकट दिखाने का, मफत दिखाने का काम शुरू कर देना चाहिए। हमको देश में प्रगति देखनी है, हमको जब देश में राज्यों में झोपड़ियाँ जलती हुई देखनी है, बच्चे मरते हुए देखने हैं, तो हमारा क्या जाता है? जलाओ।